जी अस्सलाम वालेकुम सब लोगों को। अभी अजाने और यहाँ की तरफ मैंने कहा काउंसलिंग सेशन भी आप लोगों का एक अरेंज करें सारी क्लास का, और जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है असाइनमेंट बनाने में वो अपनी देखने के क्या प्रॉब्लम आ रही है। और सबसे पहले मैं वासिफ की इंक्वायरी का जवाब दे दूं। मैं आपको अभी स्क्रीन शेयर करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप मटेरियल को सर्चिंग कर सकते हैं, जो चीज़ आपको नहीं मिलती उसका क्या तरीकाकार है उसके बारे में मैं आपको प्रॉपर गाइड करता हूं, आपके असाइनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे आपने मटेरियल को सर्च करना है। सबसे पहले मैं ये आपको एक स्क्रीन शेयर करने लगा, उस पे आप देखिए कि कैसे हम करते हैं काम। ये गूगल पे आपने सबसे पहले जाना है और अपना जो टॉपिक है वो आपने यहाँ पर लिखना है। फॉर एग्जांपल पहले यहाँ पर आप लिखें यहाँ पे गूगल स्कॉलर, ये आपने इस तरह से गूगल स्कॉलर खोल लेना है। अगर किसी को वेबसाइट याद ना हो तो इस तरह से गूगल पे सर्च करके आप गूगल स्कॉलर ओपन कर लें, ये एक विंडो खुलेगी आपके सामने। अब यहाँ पर जो मैंने लास्ट टाइम सर्च किया था वो यहाँ नीचे आ रहा है, लेकिन आपका जो रिकमेंडेड आर्टिकल वो उसकी बेस पे देता है। मैंने क्लिक किया तो वो मेरा प्रीवियसली दे रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर आप जैसे कह रहे हैं सोर और जेल वासिफ, तो आप इस तरह से सोल और जेल लिखें और साथ आप लिखें आर ई वी ताकि वो रिव्यू आर्टिकल्स आपको दिखा दे इससे रिलेटेड। ठीक है, तो ये अब यहाँ पर एक विंडो खुली है। इसकी साइड पे अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है एनी टाइम सिंस 2020, इसका मतलब है आप किस टाइप का डेटा लेना चाहते हैं। अगर तो आपने कोई रिसर्च पेपर लिखना हो, रिव्यू आर्टिकल लिखना हो, तो फिर आपके पास टाइम लिमिट की होती है, लेकिन चूंकि आपने नॉलेज लेना है उसके लिए आपको फिर यहाँ पर टिक करने की जरूरत नहीं है। इंक्लूड पेटेंट का मतलब है कि इसमें ऐसी चीजें जो कि पेटेंट होती हैं, किसी की सोल प्रॉपर्टी होती है और आप उसको पे करके लेना चाहते हैं, वो भी शामिल हो जाएं। उसमें वो आपको डिटेल तो आ जाती है लेकिन उसमें आपको ये नहीं पता चलता है क्या, फिर आप वहां पर पैसे दे के वो चीज ले सकते हैं। इंक्लूड साइटेशन, जहाँ पर किसी ने किसी का रेफरेंस दिया होता है किसी चीज का, जैसे मैंने एक रिसर्च की है और वो किसी और ने किसी जगह पे कोट की हुई है, उसका मतलब होता है कि वो एक साइटेशन है। वो पेपर की भी हो सकती है, वो बुक की भी हो सकती है, और वो इस चीज की भी हो सकती है कि आपने उसको अपने थीसिस में लिखा है, किस जगह पे भी हो सकती है। ये है टाइम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं चाहता हूँ कस्टम टाइम कि मैं 2013 से अब तक का डेटा लूँ, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से कहता हूँ जी नहीं जी, मुझे 2013 से लेके 2020 तक, अब तक का सारा डेटा पूछे तो वो दे देगा। तो इस तरह से आप इस चीज़ को कर सकते हैं, लेकिन चूंकि अभी आपके टॉपिक से रिलेटेड है इसको इन चीज़ों से ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब ये सबसे पहले आ रहा है रिव्यू ऑफ सोल जेल थिन फिल्म फॉर्मेशन, के ये सोल जेल की जो फॉर्मेशन होती है उसके बारे में नॉलेज है। इसको मैं राइट क्लिक करके ओपन इन अ न्यू विंडो पे जाता हूँ। ये न्यू विंडो आपको नज़र आ रही है? यस सर, आ रही है। अच्छा जी, ठीक है। ये साइंस डायरेक्ट का एक खुल गया है, रिव्यू ऑफ सोल जेल थिन फिल्म। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपका क्या काम है, आप सबसे पहले कोशिश करें एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लें कि आया ये आपके काम की चीज भी है अभी या नहीं। अब यहाँ पर आप पढ़ें तो लिखा हुआ है सोल जेल थिन फिल्म्स आर फॉर्म्ड बाय ग्रेविटेशनल और सेंट्रीफ्यूजल ड्रेनिंग अकंपनीड। अच्छा, इससे पहले आप एक और काम भी कर सकते हैं। मैं आपको एक जस्ट गूगल पे आप सोल और जेल लिखें और यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं, पीपल आस्क व्हाट इज सोल इन सोल जेल। ये बेसिक नॉलेज आप लेने के लिए यहाँ से पढ़ने के पहले आपको टॉपिक की समझ आ जाए कि हम क्या कर रहे हैं। ये जर्नल मैं बताता हूँ आपको, ये जर्नल पब्लिक के लिए होता है कि आम बातों का पता चल जाए। आप यहाँ से सोल जेल टेक्नोलॉजी क्या है, ठीक है,
फिर उसके बाद आप यहाँ पर पिक्चर्स आ रही हैं, पिक्चर्स में आप जाएं इमेजेस में, इमेजेस में ये वाले जो इमेजेस जितने भी होंगे ना, ये सब के सब किसी ना किसी किताब का, किसी ना किसी रिसर्च पेपर का, या किसी ना किसी पावर पॉइंट स्लाइड शेयर पे जो होती है उसका पार्ट होगा, ठीक है? ये दूसरी ऑप्शन होगी। तीसरी एक और ऑप्शन, यहाँ से आपको ना बेसिक नॉलेज का पता चल रहा है। इसके अलावा आप सोलजेल के आगे अगर आप पीडीएफ लिख देंगे, ठीक है, तो एंटर मारेंगे तो ये आपको पीडीएफ फाइल्स दिखा देगा। ये किसी किताब का कुछ चैप्टर होगा या किसी किताब का, जैसे ये सोलजेल प्रोसेस एंड इट्स एप्लीकेशन इन नैनो टेक्नोलॉजी, इसको मैं राइट क्लिक करके खोलता हूँ। ये नॉलेज सर्चिंग का आपको तरीका बता रहा हूँ कि आपने कैसे एक टॉपिक पे पहुंचना है। ये देखें, सोलजेल प्रोसेस एंड एप्लीकेशन इन नैनो टेक्नोलॉजी, कि ये इसको नैनो टेक्नोलॉजी में इसकी क्या एप्लीकेशन है और इसके बारे में। अब हमें ये आर्टिकल्स चाहिए, मुझे नहीं पता कि ये है, या हमें ये देखें नीचे लिखा हुआ है। यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट और इंट्रोडक्शन मैं पढ़ूंगा, ठीक है? अगर आप चाहें तो यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ये डाउनलोड करें तो डाउनलोड का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इसका अगर इसी को भी मैंने डाउनलोड करना है तो डाउनलोड, ये लिखा हुआ फुल टेक्स्ट पीडीएफ। बाद में ऑप्शन होती है कि आप डाउनलोड कर सकते हैं, बाद में नहीं होती। जैसे ये कह रहा है जी कि ज्वाइन फॉर फ्री है नीचे, ये देखें यहाँ पर ये सोलजेल पीडीएफ डाउनलोड हो गया, ठीक है? अब हर जगह पे नहीं होता, समटाइम वो पैसे मांगता है, मैं उसका भी बता देता हूँ आपको। इसी तरीके से जी, क्या क्वेश्चन आया चैट में? सारा सिलेक्टेड क्रोजन फॉर सेकंड प्रेजेंटेशन। हाँ जी, क्रोजन का भी मैं आपको बता देता हूँ। क्रोजन का आपका जो टॉपिक है उसकी आप टेंशन ना ले, वो मुझसे आप मटीरियल ले लीजिएगा। मैं आपको 3 बुक्स दे दूंगा और उन 3ों बुक्स का मैं आपको ऑनलाइन करके एहतिशाम, और मैं आपको वो भी ट्रांसफर पे भेज दूंगा। मैंने बल्कि वो, अच्छा, मैंने वो दूसरी अप्लाइड की क्लास में भी देनी थी तो, और उसका मैंने एक नोट्स भी, हैंड आउट्स बनाए हैं, मैं वो भी आपको सेंड कर देता हूँ। बेसिक उसमें सारा लिखा हुआ है, आपका मसला हल हो जाएगा, आप इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम इसके, ठीक है, ये तो सोलजेल वाला पीडीएफ ये खुल भी गया, मैं इसको बंद कर रहा हूं। सर, और मैंने ये बेसिक जो है ना ये मैंने सर्च किया था, लेकिन इसकी केमिस्ट्री नहीं मिल रही। किसकी, सोलजेल की? हाँ यस सर, जी, मैं उसी तरफ राइट आता सर। हूँ। जी, मैं आ रहा हूँ उस तरफ। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है, ये रिसर्च गेट का खुला था, मैं इसको बैक विंडो पे जाता हूँ। ये हमारा हो गया था, इसको मैं बंद कर देता हूँ। जैसे ये एक रिव्यू आर्टिकल है थिन फिल्म का। अब मैं इसको डाउनलोड करना चाहता हूँ तो यहाँ पर डाउनलोड लिखा होगा कहीं, नहीं लिखा हुआ, ठीक है, गेट एसेस, ठीक है, चूज एन ऑप्शन टू डिकेट। अब यहाँ पर ये देखें तो पैसे मांग रहे हैं, 35,95 डॉलर मांग रहे हैं, ठीक है? अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ये पैसे ना देने पड़े तो ये यहाँ पर DOI नंबर लिखा हुआ है, ये ठीक है, ये पूरी वेबसाइट है सर HTTP DOI, केला नंबर भी काफ़ी होता है। और यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी लिंक एड्रेस, और यहाँ पर मैं ये खोलता हूँ साइंस हब। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको कंट्रोल वी करता हूँ, एंटर मारता हूँ, तो ये मेरे पास यहाँ पर पैसे दिए बगैर खुल गया, ठीक है, ये PDF खुल रही है, ये देखिए, ठीक है, यहाँ से मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूँ तो ये मुझे फ्री में मिल गया। इसको मैं यहाँ पे सेव कर लूँ जहाँ पे मेरा दिल करता है, मैं इसको डेस्कटॉप पे कर लूँ, मैं इसको जहाँ दिल करता है कर लेता हूँ, ठीक हो गया जी। सर। अब यहाँ से मैं बैक चला जाऊँगा और ये PDF डाउनलोड होगी।
ये नजर आ रही है पीडीएफ? यस सर। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम उस पे, केमिस्ट्री जो आपने पूछा है इसका, उसके वे दो तीन तरीके हैं। एक तो ये, एक यहाँ पर ऑर्थिसाइट, ठीक है, ये एक साइट है लाइब्रेरी जेनेसिस के नाम से, libgen.io/RUST आजकल आई है सर। अच्छा जी, ये बच्चे अटेंडेंस थोड़ी है, आपने जो क्वेश्चन पूछना है वो है, स्टेट प्रेजेंट एब्सेंट का कोई नहीं चक्कर। अच्छा यहाँ पे देखें, ये लिखा हुआ है मुख्तलिफ चीज़ें, यहाँ पर आप अपना फॉर एग्जाम्पल सोल और जेल इस तरह से लिखें और सर्च मारें, यहाँ से बुक्स आपको मिलेगी। ठीक है, अब ये देखें, ये पूरी एक लिस्ट उसने खोल दी है, ये नज़र आ रही सबको लिस्ट? यस सर। अब यहाँ पर देखें तो नॉन लीनियर ऑप्टिकल मेथड और ये पूरी किताबों का एक ढेर लगा हुआ है। ठीक है, इसमें से जो आपको पसंद आती है, जो आपको समझ आती है, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये देखें, ये नीचे अगर आप ये जहाँ कर्सर है नजर आ रहा, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऑफ सोल जेल प्रोसेस। ठीक है, यस सर। इसको मैं अगर खोलता हूँ तो क्या निकलता है, देखते हैं ये क्या है। इसके अलावा भी साइट्स हैं काफी, ये किताब ही है मेरा ख्याल। इसका नाम है इसके नाम को इधर कॉपी मार के ट्राई करता हूँ। ये नहीं दे रहा, बुक का एग्जैक्ट नाम भी यहाँ से मिल जाता है। वैसे मैं अपने पास जो मेरे पास स्टॉक है, मैं उसमें से, ये मेरी विंडो नजर आ रही है आपको? ये सर नजर आ रही है। ठीक है, यहाँ पर सारी किताबें हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं काफ़ी चीज़ें, लेकिन आपका जो टॉपिक है, असल में मैं इसका थोड़ा सा आपको बता दूँ, ये होता है, ये तो अगर आपको टॉपिक का पता ना हो, लेकिन अगर आपको पता हो तो ये बेसिकली कोलाइड्स होता है। ठीक है, तो आप कोलाइड से सर्च करें, कोलाइडल केमिस्ट्री में आपको चीज़ें मिल जाएंगी काफ़ी। यहाँ से आप, इसके अलावा एक और तरीका है, अगर आपको ना पता चले ना, तो आप यहाँ से खोल रहे स्लाइड शेयर, ये सारे तरीके आपको मैं बता रहा हूँ, ये आप उस पर
इसकी मैं वीडियो भी बना रहा हूँ ताकि आपको मैं सेंड भी कर दूंगा, आपको देख, ठीक है। ये स्लाइड शेयर है, ये यहाँ पर मैं लॉग इन करता हूँ। ठीक है, ये लॉग इन हो गया आई थिंक। अच्छा, अब यहाँ पर आप लिखें, यहाँ पे सर्च करें सोल्जर, अब ये सोल जेल की दे रहा है, ये सोल जेल कोटिंग मार्केट की नहीं आपको चाहिए, सोल जेल मार्केटिंग इस तरह की दे रहा है, सोल जेल मेथड, ये आपके काम की है, इसको देख सकते हैं, ग्लोबल सोल जेल कोटिंग इंडस्ट्रियल रिपोर्ट्स, सिंथेसिस एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ जिंक, दस सोल जेल मार्केट, यहाँ पे आप ये भी कोलाइडल का भी लिख सकते हैं, क्लाइडल सॉल्यूशन लिख दें जरा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोस्मोसिस मल्टी स्टेयर नोवेल, यहाँ से आपको थोड़ा सा ये देखें क्लाइड्स पे आ गया, ठीक है, ये एक आ गई है, इसको अगर आप, चलिए मैं आपके लिए खोलता हूँ, इसको देखते हैं आया हमारे बाकी काम की चीज है कि नहीं, वो भी आपको दिखा देता हूँ कैसे देखना है। गूगल स्कॉलर से सर्च करना इसलिए ज़रूरी है कि आपको को और कहीं से मिलेगा, एक और तरीका भी मैं वो भी बता दूँ, पहले मैं ये बता दूँ, मैं वो बता दूँ, ठीक है। ये देखें कोलाइडर, यहाँ पर आप, ये डाउनलोड है, पीडीएफ पूरी डाउनलोड हो जाती है, ठीक है, लेकिन आप डाउनलोड से पहले अपना डेटा नहीं जाया करना चाहते, तो आप इसको आगे कर करके देख लेंगे, आए हमारे काम की है अभी, ठीक है। डिस्पर्शन मेथड, कंडेंसेशन मेथड, ये यहाँ पर, और किसी एक को भी आप आपस में कर सकते हैं, वेरिफिकेशन, ये सारे कोलाइडल के ही टॉपिक्स हैं। बट सर मैं तो सोलर जेल के रिलेटेड, हाँ ये सोलर जेल मैं बता रहा हूँ कोलाइडल सॉल्यूशन का ही होता है ना, लेकिन मैं ये वही इसीलिए देख रहा हूँ ना कि इसमें क्या क्या उन्होंने दिया हुआ है, हम इसमें और चीज़ें देख लेते हैं, इसीलिए मैंने इसको डाउनलोड करने से पहले कहा कि इसको देख लेते हैं हम। अब आ जाते हैं हम इधर देखते हैं, ये देखें, ये सोल जेल साइंस, ठीक है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऑफ सोल जेल, जो मैंने आपको बताया था पहले भी, ये इसने दोबारा से इसका लिंक दिया है, इसको देख लेते हैं। केमिस्ट्री सोल रिव्यू, या आप इसको डाउनलोड भी कर सकते, ठीक है। मुझे हमने पहले भी लिंक देखा था इसका, ये पूरी किताब आप 237 सफ़े हैं, या आप डाउनलोड कर लें पीडीएफ और आप इसमें से देख लें, ठीक है, यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं।
get a copy of this book. Picture in. जी मैं नतीजा सर्चिंग का तरीका बता रहा हूँ, जब आपने मटेरियल कैसे सर्च करना है मैं दोबारा बता देता हूँ आप। इस तरह से आप ले लें, बाकी अगर किसी को टॉपिक से रिलेटेड मेरे पास बुक्स होंगी तो मैं बुक्स भी दे दूंगा, उसमें से भी आपको मटेरियल मिल जाएगा। अच्छा ये अब मैं आपके साथ दोबारा से स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये यहाँ पर आपने अपना टॉपिक लिखना है, फॉर एग्जाम्पल आज कल अगर हम बात करें उसकी। अच्छा एक तो ये था, एक मैं और वेबसाइट थी वो भी आपको बता दूँ, वो है साइंस डायरेक्ट .com। यहाँ से भी जैसे मैंने आपको पहले गूगल स्कॉलर बताया, अब मैं आपको बताने लगा हूँ साइंस डायरेक्ट। ठीक है खदीजा, आपका टॉपिक ये देखें सामने ही इसके नजर आ रहा है, कोरोना का विचर द इंफॉर्मेशन सेंटर, कोरोना का जो आजकल है वो हॉट टॉपिक है, तो इन्होंने हर वेबसाइट ने टॉप पे उसके लिंक्स दे दिए इंफॉर्मेशन सेंटर, यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन। अब इसमें सर्चिंग का तरीका यह साइंस डायरेक्ट में, यहाँ पर आपने लिखना फॉर एग्जाम्पल कोरोना, ठीक है, और आप इसको सर्च करते थे। इसको बाद में करते हैं। ये देखें ये सारे सजेस्टेड पब्लिकेशन जो है ना ये आपके सामने आ जाते हैं, इसको आप व्यू ऑल कर लें और यहाँ पर आप, अगर मैं साथ इसके केमिस्ट्री लिख देता हूँ, इस पर कोई पब्लिकेशन नहीं है केमिस्ट्री, अब यहाँ पर अगर आप देखें ये सर्च अलर्ट के साथ यहाँ पर भी साइड पे आ रहा है डिफाइंड बाय, ये 2021 और ये मतलब जो भी 21 तो आया ही नहीं है, इन्होंने पहले लफ्ज़ लिख दिया, 10 पब्लिकेशन है 2020 की, 2500 की पब्लिकेशन है 2019 की, इस तरह से ये है। अब आप यहाँ से आर्टिकल टाइप में अगर आप रिव्यू आर्टिकल्स में जाएंगे तो ये आपको सिर्फ रिव्यू आर्टिकल्स दिखाएगा, जैसे वहाँ पर गूगल स्कॉलर पर था यहाँ भी है, रिसेंट ट्रेंड इन क्लिक केमिस्ट्री एज अ प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी फॉर वायरस रिलेटेड रिसर्च, यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, हम इसको खोल के भी देख लेते हैं। ये देखें यहाँ पे द मेडिसिनल केमिस्ट्री ऑफ चिकुकुन, पता नहीं कौन सा वायरस है, गंदा सा नाम लिखा हुआ है, तो ये तो इसकी PDF डायरेक्ट भी डाउनलोड हो जाती है, जो फ्री होती है वो डायरेक्ट भी लिखा होता है उस पर।
ये एक पेपर खुल गया आपके सामने, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लें। ये एब्स्ट्रैक्ट में इंफॉर्मेशन होती है ज्यादा, या आपके दूसरी आपको इंफॉर्मेशन मिलती है इसके इंट्रोडक्शन सेक्शन में। ठीक है, इसमें सारा इंफॉर्मेशन लिखी होती है और जो भी चीज़ आप देखना चाहें इसमें से देख सकते हैं अपने से रिलेटेड, और फिर आपने उसके हिसाब से लिख लेना आपका। साइंस हब का भी मैं आपको बता देता हूँ, साइंस हब के बारे में होता है यहाँ पे। यहाँ पर आप जो इससे पहले कोई टॉपिक आप फॉर एग्जांपल यहाँ से ये पेपर है, ये मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर ये DOI नंबर होता है इसका, ये लिखा होता है, ये मैं इसको कॉपी करता हूँ, साइंस हब पे मैं इसको क्लिक करता हूँ, कॉपी पेस्ट एंटर, ये आपके सामने खुल जाता है। अब ये यहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ये खुल जाएगा और यहाँ से आप इसको डाउनलोड और अपनी जगह पे आप इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी मैंने आपको बताया लिबजेन है, वो ये वाली साइट है, यहाँ से भी आप बुक्स और काफ़ी सारा मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी होपफुली। और किसी ने कुछ पूछना है या तो आप पूछ रहे हैं चैट में, या मैं माइक को आपके अनम्यूट ऑल कर देता हूँ। किसी ने कुछ पूछना है तो बता दें। सर जो आपने अब टॉपिक्स दिए हैं उस पे भी प्रेजेंटेशन अलग होगी इस पे भी? जो मैंने अभी टॉपिक दिया है ये तो आपकी प्रेजेंटेशन का पहले से है, जो आपका अभी क्लास के लिए आपने करना है वो आपने अपनी केमिस्ट्री और अपने सिलेबस से रिलेटेड ही है, आपने उसमें से देखना है। और हाँ जी, बाकी ये उस पे सर, जी जी सर, असाइनमेंट भी बनानी है जो आपने अब टॉपिक दिया है हमें? नहीं, इस पे असाइनमेंट नहीं है, सिर्फ आपने 10 मिनट, 5 से 10 मिनट प्रेजेंटेशन जितना है उतना ही मैंने आपको कहा, ज्यादा काम नहीं करवा रहा आपसे। इसको भी गूगल स्कॉलर से सर्च करना है? नहीं नहीं, ये तो आपने पढ़ा हुआ है सारा, नोट्सों में से देख लें, किताबों में से देख लें, सौखा सा बना दे अच्छा सा, इसमें कोई टेंशन नहीं, इसकी टेंशन ना लें, ये 5-10 मिनट वाली जो आपकी वीडियो है ना इसकी टेंशन ना लें, ये देख के आराम से अच्छे तरीके से आप दे दें, और अपने टॉपिक मटेरियल आपको ऑलरेडी दिया हुआ है आपके पास सारा चीजें, जो जिस मटेरियल नहीं है वो कहता है मेरे पास कुछ और चाहिए तो मुझे बता दे, मैं वो भी बता देता हूँ। ये तो आपके टॉपिक से रिलेटेड, ये मैं जो अभी आपको सर्चिंग का तरीका बताया ये वो वाला है जो आपने अपनी रेगुलर प्रेजेंटेशन बनानी है उसके लिए, अगर आपको नहीं मिल रहा तो इससे मैंने आपको बताया। चलो सर,
सर ऊपर से देख के मतलब बता सकते हैं, बोल सकते हैं? हाँ जी बोल दें, कोई मसला नहीं। तैयारी आपने पेपर की करनी है, ये तो प्रेजेंटेशन है आपकी कम्युनिकेशन स्किल चेक करने के लिए कि आप किस तरीके से वहाँ पे काम करते हैं। सर जब वो आएगी कोई डेट शीट वगैरह या फर्स्ट मिड कौन सा है और किस टाइम पे है, तो ये वीडियो तब भेजनी है ना आपको? उससे पहले सर। ओके सर, वीडियो आप बैठ के एक तैयार शहर होकर कंगी शंगी फेर के तो भेज छोड़ो, मन बना के और की तुझे करना सकता, आप खुद बताएं। हमें यूनिवर्सिटी बुला ले, हम ऐसे नहीं मिट्स दे सकते। अच्छा और कोई दोस्त को ये कहां बेहतर होना, कुछ नहीं हो जाता। हम खुद बोल बोल हमें मंडे से कोई मसला नहीं, हम यूनिवर्सिटी आना, हमें नहीं पता, हम ऐसे दे सकते हैं मिट्स। हद होती है हर चीज की, कहता हूं तो बड़ा गुस्सा आ रहा है। और ऊपर से बिल्कुल करीब करीब बता दिया मिड डे ने, मतलब हम फेल हो जाएंगे, अल्लाह ना करे क्या होना है हमारे साथ। ओके